हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं, कॉर्पोरेट लॉ पहले 70 मार्क्स का आता था। अभी इसमें कुछ चेंजेस आ गए। अभी कॉर्पोरेट लॉ सिर्फ आपका 60 मार्क्स का आएगा। 10 मार्क्स का आपका ओवरव्यू ऑफ इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड 2016 आएगा। आज हम लोग ये 10 मार्क्स का ये सिलेबस कवर करने वाले हैं। मेरे पास आईसीआई का जो बुक है उसके जेरोक्स है, तो आज हम लोग इसी से पढ़ेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, क्या आपको पता है इंसॉल्वेंसी क्या होता है, बैंकरप्सी क्या होता है, देन आपका लिक्विडेशन क्या होता है, वाइंडिंग अप क्या होता है, एंड इन चारों में डिफरेंस क्या है? आज तक हम लोग चारों वर्ड को एक ही जैसे समझते थे। कोई भी बोलते थे हम लोग कि या ही इज इंसॉल्वेंट, ही इज बैंकरप्ट, हम लोग इंटरचेंजेबली मतलब एक ही समझ के हम लोग उसको मानते थे। बट इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। फर्स्ट डिफरेंट क्या है? फर्स्ट डिफरेंस इंसॉल्वेंसी। इंसॉल्वेंसी इट इज जस्ट अ स्टेट वेयर द आउटसाइड लाइबिलिटीज इज ग्रेटर देन द रियलाइजेबल एसेट्स। आई हैवन्ट टोल्ड एसेट्स, आई हैव टोल्ड रियलाइजेबल एसेट्स। जो भी आपका एसेट्स है जो आप रियलाइज कर लोगे, फॉर एग्जाम्पल आपका डेटर्स हो गया, देन आपका इन्वेस्टमेंट्स हो गया, बैंक हो गया, ये सब कैश हो गया, मीन्स गुडविल, ट्रेडमार्क, पेटेंट, ये सबको हटा के बाकी जो भी आपके रियलाइजेबल एसेट्स है वो अगर आपके आउटसाइड लाइबिलिटी से कम हो जाती है तो उस सिचुएशन को बोलेंगे दैट ही इज एन इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट अगर कोई हो गया, उसके पास दो ऑप्शन है, पहला रिजोल्यूशन प्लान, दूसरा लिक्विडेशन। रिजोल्यूशन प्लान मतलब जैसे आप पढ़े हो गए अकाउंट्स में, इंटरनल रिकन्स्ट्रक्शन, एक्सटर्नल रिकन्स्ट्रक्शन। इंटरनल रिकन्स्ट्रक्शन मतलब क्रेडिटर से बात करके कुछ वो कम कर देगा, डेटर्स लोग कुछ आपस में कम कर लेंगे, या इस तरह से उसको कुछ ऐसा प्लान जिससे वो प्रॉपर लाइन पे आ सके बिजनेस। एंड लिक्विडेशन, अगर कुछ रिजोल्यूशन प्लान वर्क नहीं करता है या लगता है कि रिजोल्यूशन करने से भी कुछ नहीं होने वाला, रिकन्स्ट्रक्शन करने से भी कुछ नहीं होगा, तो उस केस में कंपनी लिक्विडेट हो जाता है। लिक्विडेशन, कंपनी इतने सालों से चल रहा है, अब साथ ही साथ तो लिक्विडेट नहीं हो सकता, उसको कुछ टाइम चाहिए। जब वो पूरा लिक्विडेट होके उसको बोलते हैं वाइंडिंग अप। लिक्विडेट होने के बाद फिर वाइंडिंग अप। देन बैंकरप्सी क्या होता है? बैंकरप्सी जैसे आप सुने होंगे नॉर्मल केस में कि ये बैंकरप्ट हो गया, वो बैंकरप्ट हो गया। बैंकरप्सी मीन्स उसका वाइंडिंग अप का स्टेज आ गया, अब उसका कुछ नहीं हो सकता। इट इज़ अ लीगल प्रोसीडिंग अगेंस्ट कॉरपोरेट डेटर। कॉरपोरेट डेटर मतलब कौन? जो आपको जिससे रुपया लेना है वो हो गया आपका कॉरपोरेट डेटर। तो लीगल प्रोसीडिंग, हम लीगल प्रोसीडिंग करेंगे उसके अगेंस्ट जिससे हमको रुपया लेना है। वे सच कॉरपोरेट डेटर इज नॉट एबल टू रिपे हिज डेट। जो डेटर आपको रुपया नहीं दे पा रहा है उसके अगेंस्ट हम लीगल प्रोसीडिंग करेंगे, उसको बोलते हैं बैंकरप्सी। बैंकरप्सी लीगल प्रोसीडिंग। इंसॉल्वेंसी स्टेट वेयर द लाइबिलिटीज इज ग्रेटर देन द रियलाइजेबल एसेट्स। ओके, सो सेकेंड पेज में, फर्स्ट पेज ऐसी आपका इंट्रोडक्शन है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड 2016। इसके पहले भी हमारे पास मनी रिकवर करने के लिए काफ़ी सारे एक्ट थे, फॉर एग्जाम्पल सरफाइसी एक्ट जैसे आप लोगों ने पढ़ा, कंपनीज एक्ट 1956, कंपनीज एक्ट 2013, सिख इंडस्ट्रियल एक्ट, देन उसके बाद एक और है आपका रिकवरी ऑफ डेब्ट ड्यू टू बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। ये था रिकवरी ऑफ डेब्ट ड्यू टू बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ये था बैंक्स के लिए एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए। कंपनीज एक्ट हो गया आपका कंपनीज के लिए, देन आपका सरफाइसी हो गया, ये सारे थे। तो अब पहले तो आपको ये देखना है कि आपको अगर डेटर है तो आपको किसके पास रिलीफ मिलेगा, कंपनीज एक्ट में जाए या फिर सरफाइसी एक्ट में जाए, कौन से एक्ट से आपको रिलीफ मिलेगा पहले आपको वो देखना पड़ता था। उसके बाद फिर उसके प्रोसीडिंग इतने बड़े बड़े रहते थे, एंड उस टाइम पे अगर आप एनसीएलटी के पास गए तो फिर वो कुछ ऑर्डर देगा, फिर आप हाई कोर्ट पर अपील कर सकते हैं, सिविल कोर्ट पर अपील कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट पर अपील कर सकते हैं। तो प्रोसेस काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जा रहा था, एंड उतना काफ़ी ज़्यादा बैड डेप्ट हो रहा था, एंड ये सब हो रहे थे। तो
इसलिए फिर इसका जरूरत महसूस हुआ एंड देन इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड 2016 को लाया गया। इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड में सिर्फ दो अथॉरिटी है, पहला है एनसीएलटी एंड इसमें सिर्फ दो अथॉरिटी है एनसीएलटी, और अगर आप उससे खुश नहीं है तो आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। सो अब इसके पर्पज़ क्या थे इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड के लाने के, पहले तो कुछ भी टाइम पीरियड नहीं था कि हाँ इतना दिन तक आपको ख़त्म करना ही है, बट अभी ये साफ साफ बोल दिया गया आपका जो भी प्रोसीडिंग है, जब भी आपका जब भी एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, द डे फ्रॉम विच योर एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड, उस दिन से लेके 180 दिन 180 डेज के अंदर आपको वो ख़त्म कर देना है। अगर तब तक आप कुछ नतीजे तक नहीं पहुंचते, रिजोल्यूशन नहीं होता, तो फिर आपको लिक्विडेट करना पड़ेगा। बट 90 डेज तक आप उसको एक्सटेंड कर सकते हैं, बट ओनली वंस। एक बार अगर आप 90 डेज का एक्सटेंशन ले गए तो आप दूसरी बार अप्लाई करके 90 डेज का एक्सटेंशन नहीं ले सकते। मतलब एनी हाउ आपको 270 दिन 80+90 270 डेज के अंदर सब कुछ ख़त्म कर देना है। सब कुछ ख़त्म मतलब या तो रिजोल्यूशन या फिर लिक्विडेशन, सिर्फ दो ऑप्शन है आपके पास। तो फर्स्ट रीज़न ये था टू फिक्स द टाइम पीरियड। देन पहले अब बैंक लोग हिचकिचाते रहते थे, अब जैसे आप विजय माल्या को देखिए, लोन लेके एकदम आराम से बैठा है, ऐसा कर रहे हैं, बैंक लोग उसके आगे पीछे दौड़ रहे हैं। सो अब क्रेडिट मिलना, आप छोटे छोटे लोगों को क्रेडिट मिलने में कितना प्रॉब्लम होता है। सो जस्ट टू इंक्रीज द अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट फॉर जनरल पब्लिक, ये कोड लाया गया। देन टू प्रमोट एंटरप्रेन्योरशिप, ये कोड लाया गया। फिर जो 180 प्लस 90 डेज का जो फिक्स टाइम पीरियड फॉर एक्सिक्यूशन ऑफ लॉ, उसके लिए लाया गया। देन पहले कुछ भी बोर्ड नहीं था, जैसे फॉर एग्जांपल आप देखेंगे डीटी के लिए सेंट्रल बोर्ड ऑफ ड्यूटी सीबीडीटी है, देन इनडायरेक्ट टैक्स के लिए सीबीईसी है, तो उसी तरह से इसके लिए भी एक बोर्ड बनाया गया। उस बोर्ड को हम लोग बोलते हैं इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, IBBI। तो उसके लिए एक बोर्ड इस्टेब्लिश किया गया। देन टू बैलेंस द इंटरेस्ट ऑफ ऑल स्टेक होल्डर्स इंक्लूडिंग अल्टरेशन इन द ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी ऑफ पेमेंट ऑफ गवर्नमेंट ड्यूज। सो पहले जो आप पढ़ते थे तो प्रायोरिटी में गवर्नमेंट को हम लोग पे करते थे, बट इस कोड को लाने के बाद से अभी प्रायोरिटी थोड़ा चेंज हो गया। अभी जो आपके वेजेस या सैलरी जो एम्प्लॉयज लोग हैं वो लोग को प्रेफरेंस दिया गया। अभी गवर्नमेंट ड्यूज के पहले आप लोग को वेजेस सैलरी पे करना है। एंड पहले आपका कुछ कंडीशंस भी था कि 20,000 से ज़्यादा होगा तो, या फिर 2 महीना के से ज़्यादा का आप नहीं दे सकते, तो इसमें वो सब में भी थोड़ा कुछ रिलीफ मिला है एम्प्लॉयज़ के लिए। एंड टू मैक्सिमाइज द वैल्यू ऑफ एसेट्स ऑफ इंटरेस्टेड पर्सन्स, यहाँ इंटरेस्टेड पर्सन्स कौन हुए, क्रेडिटर्स ऑब्वियसली, हम लोग क्रेडिटर्स पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, सो क्रेडिटर्स है। सो टू मैक्सिमाइज द वैल्यू ऑफ एसेट्स ऑफ क्रेडिटर्स। Then what are the distinguishing features of code? कोड कौन सा, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड। एक तो है कि कंप्रीहेंसिव लॉ, पहले जो इतने सारे लॉ थे इंक्लूडिंग कॉरपोरेट्स के लिए अलग, पार्टनरशिप के लिए अलग, LLP के लिए अलग, तो अभी जो भी है सबके लिए एक ही लॉ है, कॉरपोरेट हो या फिर आपका LLP है या जो भी है, सबके लिए सिर्फ एक सिंगल लॉ। देन विथरिंग अवे ऑफ मल्टीप्लिसिटी ऑफ लॉज, पहले इतने सारे लॉ थे अभी सिर्फ एक लॉ है। लो टाइम रिजोल्यूशन, जैसा कि मैंने बोला 180 डेज एंड 90 डेज, अभी काफ़ी कम टाइम में आपको प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। वन विंडो क्लियरेंस, पहले आपको कभी इसके पास जाना रहता था, कभी उसके पास जाना रहता था, अभी सिर्फ आपको एक सिंगल अथॉरिटी के पास जाना है, सिंगल अथॉरिटी को सारा पावर दिया गया। अभी प्रोसेस भी पूरा क्लियर कर दिया गया, सो क्लैरिटी इन प्रोसेस। देन वन चेन ऑफ अथॉरिटी, भाई या तो आपको NCLT के पास जाना है अगर आप कंपनी है तो, नहीं तो आपको डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल DRT के पास जाना है। अगर ये दोनों से आपको रिलीफ, अगर ये दोनों से आप सेटिस्फाइड नहीं हो तो फिर आप सुप्रीम कोर्ट पे जा सकते हो। पहले था कि सिविल कोर्ट, हाई कोर्ट, ये लोग बीच में कुछ इंजेक्शन कर सकते हैं, बट अभी वो लोग को इंजेक्शन पावर नहीं दिए गए, अभी आपको डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट के पास जाना है। तो पहले आप सुप्रीम कोर्ट तक पहुँचते पहुँचते आपको पूरा रुपये ख़त्म हो जाता था। एंड या इसमें भी एक कंडीशन है, सुप्रीम कोर्ट को आप ऐसे ही 10-20 हज़ार के लिए आप सुप्रीम कोर्ट तक नहीं जा सकते,
सुप्रीम कोर्ट को लिए जाने के लिए आपका डेब्ट जो ड्यू है वो 1 लाख से अबव होना चाहिए. देन उसका प्रोटेक्ट्स द इंटरेस्ट ऑफ वर्कमैन एंड एम्प्लॉयज, वो जो मैंने बोला गवर्नमेंट के पहले वो लोगों को पे करना है. न्यू रेगुलेटरी अथॉरिटी IBBI जो मैंने बता ही दिया. देन फिर इसमें एक IUB स्टेब्लिश करना है. IU मतलब इंफॉर्मेशन यूटिलिटीज. तो इन्फॉर्मेशन यूटिलिटीज में क्या होगा कि जब भी आप कुछ बैंक से लोन ले रहे या डिफॉल्ट कर रहे तो फिर वो उसमें इंटर हो जाएगा. तो अब जब आप नेक्स्ट बैंक के पास अप्रोच करेंगे लोन लेने के लिए तो वहाँ वो दिखा देगा कि ये इस बैंक से डिफॉल्ट किया, तो फिर वो दूसरा बैंक आपको लोन नहीं देगा. तो इस तरह से सिस्टम काफ़ी अच्छा बनाया गया. देन फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इस चैप्टर से. स्ट्रक्चर ऑफ कोर्ट. स्ट्रक्चर ऑफ कोर्ट में पहले तो जब भी आप कोई भी एक्ट उठा लीजिए, हर एक्ट में सेक्शन 1 आपका हमेशा एप्लीकेबिलिटी रहता है. सेक्शन 1 आपका एप्लीकेबिलिटी होगा, सेक्शन 2 आपका हमेशा डेफिनेशन रहता है. सो इस कोर्ट में भी सेक्शन 1 एप्लीकेबिलिटी है, सेक्शन 2 डेफिनेशन है. देन फिर आपका प्रीलिमिनरी पार्ट है. फिर पार्ट 2 जो इसका है वो हो गया इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन एंड लिक्विडेशन फॉर कॉर्पोरेट पर्सन. ये सिर्फ कंपनीज के लिए. फ्रॉम सेक्शन 4 टू सेक्शन 77 इट इज़ ओनली फॉर द कंपनी. देन फिर पार्ट 3 है. पार्ट 1 आपका प्रीलिमिनरी, पार्ट 2 कंपनी. कंपनी में सेक्शन 4 टू सेक्शन 77. देन पार्ट 3 हो गया आपका नॉन कॉर्पोरेट्स. इसमें सिर्फ दो पार्ट में बांटा गया, कॉर्पोरेट्स नॉन कॉर्पोरेट्स. पार्ट 3 जो नॉन कॉर्पोरेट्स है उसका सेक्शन है फ्रॉम 78 टू सेक्शन 187. देन फिर पार्ट 4 है आपका रेगुलेशन ऑफ इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसीज एंड इंफॉर्मेशन यूटिलिटीज. मीन्स जो भी जिस काम में है, जो भी एजेंसी है या IU के काम में जो भी इन्वॉल्व है उनको मैनेज करने के लिए पार्ट 4 सेक्शन 188 टू सेक्शन 223 है. एंड देन लास्ट पार्ट आपका मिसलिनियस से, जो भी 1 to 4 में नहीं आते उसको मिसलिनियस में डाल देंगे, जिसका सेक्शन है 224 से 255 255 तक. अगर आप NCLT है, अगर आप कंपनी है तो NCLT को जाइए, नॉन कंपनी है तो आपको DRT को जाना है. एंड देन मैंने यहाँ बोला IBBI कौन बन सकता है. IBBI में तीन पार्ट है. एक हो गया आपका इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स एजेंसी, एक हो गया एजेंसी, एक हो गया इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स, एक हो गया इंफॉर्मेशन यूटिलिटी. एजेंसी हो गया फॉर एग्जांपल, जैसे आप समझ लीजिए ICAI एक एजेंसी है. इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल मतलब CA, ICAI CA प्रोड्यूस करता है. तो अगर आपको इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स चाहिए तो आपको एजेंसी में जाके वहाँ से लेना होगा. एंड देन इंफॉर्मेशन यूटिलिटी, आपके जो भी इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स है उनके बारे में इंफॉर्मेशन आपको वहाँ से मिल जाएगा. इट इज़ लाइक अ डाटा बेस. जैसे आप डाटा बेस कंपनीज एक्ट में भी पढ़े होंगे, अभी डायरेक्टर के लिए वो डाटा बेस जरूरी है. सेक्शन 150 में आपको डाटा बैंक मिल जाएगा. वही इसमें पांच चीज आते हैं. इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स मीन्स CA, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसीज. द कोड प्रोवाइड्स फॉर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द एजेंसीज टू इनरोल एंड रेगुलेट द इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स. देन आपका इंफॉर्मेशन यूटिलिटीज, देन आपका IBBI बोर्ड, देन आपका एजुकेटिंग अथॉरिटी. और एजुकेटिंग अथॉरिटी कौन है, NCLT या फिर DRT. कंपनी NCLT, नॉन कंपनी DRT. एप्लीकेबिलिटी ऑफ कोड में आपका सबको सबके लिए एप्लीकेबल है, वेदर इट्स अ कंपनी, LLB, पार्टनरशिप फर्म, इंडिविजुअल और एनीथिंग. देन फिर डेफिनेशन है आपका सेक्शन 3 टू सेक्शन 5. डेफिनेशन में पहले कॉरपोरेट पर्सन मतलब कंपनी या फिर LLP. कॉरपोरेट डेटर्स मीन्स अ कॉरपोरेट पर्सन हु ओव्स अ डेब्ट टू एनी पर्सन. क्रेडिटर डेटर का उल्टा. डेब्ट वही लाइबिलिटी जो आपको पे करना है, ऑब्लिगेशन. देन डिफॉल्ट, अगर आप उसको पे नहीं किए हैं विद इन द टाइम पीरियड. देन फिर वही आपका सिक्योर्ड क्रेडिटर, सिक्योरिटी इंटरेस्ट. तो ये सब तो डेफिनेशन आपको पता है, ये सब मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहा हूँ.
उसके बाद आते हैं सेक्शन 6 to 32, इंसॉल्वेंसी प्रोसेस ओवरव्यू। इसका ओवरऑल प्रोसेस क्या है? सबसे पहले जो क्रेडिटर है वो जाएगा एडजुकेटिंग अथॉरिटी के पास, जाएगा एडजुकेटिंग अथॉरिटी के पास, एंड वो जो जो भी क्रेडिटर है वो एक इंसॉल्वेंट, वो अगर चाहे तो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल अपॉइंट कर सकता है, या तो वो इंडिविजुअली भी अपॉइंट कर सकता है, या फिर अगर 4-5 जन का रुपया बाकी है तो वो लोग सब मिलके भी एक इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल भी अपॉइंट कर सकते हैं, या फिर सबको अलग अलग अपना अपना इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल अपॉइंट कर सकते हैं। वो होने के बाद फिर वो लोग एक COC बनाएंगे, कमिटी ऑफ क्रेडिट क्रेडिटर्स। इंसॉल्वेंसी जो भी रहेगा वो उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स बनाएगा, एंड यहाँ पर जहाँ भी आपको कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स है वहाँ आप समझ लीजिए 75% ऑफ वो लोग का अप्रूवल चाहिए। हर चीज़ में आपको 75% ऑफ द कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स का अप्रूवल चाहिए, कन्फर्म बाई COC। फिर अपॉइंट होगा, जो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल है उसको अपॉइंट करेगा। फिर जो COC है वो एक इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम प्रिपेयर करेगा, उसको बोलते हैं फिर वो, हाँ वो एक इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम तैयार करेगा। फिर एक रेजोल्यूशन प्लान बनाएगा, जो भी क्रिएटर्स लोग हैं बोलेंगे रेजोल्यूशन प्लान बनाएंगे, उस रेजोल्यूशन प्लान को फिर 75% ऑफ द अप्रूवल चाहिए फ्रॉम COC। वो लोग जब अप्रूव कर देंगे 75% प्लान, तो वो आपको हो जाएगा रेजोल्यूशन प्लान अप्रूव बाय द, फिर वो AA के पास जाएगा, AA अप्रूव कर देगा तो फिर वो लोग उस पर एक्ट करेंगे, नहीं तो फिर लिक्विडेट हो जाएगा अगर 75% ऑफ द वोटिंग नहीं मिलता है तो, अप्रूवल नहीं मिलता। अब बात करते हैं कौन अप्लाई कर सकता है, तो पूरे सिचुएशन में 3 जन अप्लाई कर सकते हैं। एक तो जो डेटर है वो खुद अप्लाई कर सकता है, कॉर्पोरेट डेटर। अभी एक कॉर्पोरेट क्रेडिटर भी अप्लाई कर सकता है। क्रेडिटर में 2 पार्ट में बांटा गया, एक है फाइनेंशियल क्रेडिटर, एक है ऑपरेशनल क्रेडिटर। ऑपरेशनल क्रेडिटर मतलब जो आपका बिजनेस ट्रांजेक्शन का जो क्रेडिटर्स है, मतलब जो आप उसको सप्लाई अप्लाई किए तो उसके लिए जो क्रेडिटर्स है वो। फाइनेंशियल क्रेडिटर मतलब आप जो लोन्स एंड एडवांसेस है वो वाला क्रेडिटर आपका आगे। सो ये है कौन अप्लाई कर सकता है। अब देखेंगे कैसे अप्लाई कर सकता है, इसका तरीका। जो फाइनेंशियल क्रेडिटर है वो NCLT के पास जाएगा, सपोज कोई बैंक है वो जाएगा एंड AA के पास एप्लीकेशन फाइल करेगा। AA मतलब कंपनी, तो NCLT नॉन कंपनी तो DRT, उसके पास एप्लीकेशन फाइल करेगा। एप्लीकेशन फाइल करने के टाइम वो क्या करेगा, जितने भी इंफॉर्मेशन जो भी मैंडेट इंफॉर्मेशन जो की जरूरी है, जैसे अगर आप बिल देंगे कि हाँ इसका ये चीज़ का इतना रुपया बाकी है, तो आपको वो प्रूफ देना है, एविडेंस। तो वो उसको NCLT को, जो भी फाइनेंशियल क्रेडिटर है वो NCLT को इंफॉर्मेशन फर्निश करेगा। एंड देन उसके पास, देन AA को 14 दिन का टाइम मिलता है। AA 14 डेज में डिसाइड करेगा वेदर टू एक्सेप्ट योर एप्लीकेशन और रिजेक्ट योर एप्लीकेशन। अगर वो आपके एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देता है तो आपको 7 दिन का टाइम मिलता है। 7 दिन के अंदर अंदर आपको उसका, आप आपको राइट टू हियर का मौका मिलता है। आप बोल सकते हैं कि नहीं ऐसा ऐसा ये है, मेरे को मेरा रुपया बाकी है, राइट टू बी हर्ड। बट अगर AA आपका एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर लेता है, मीन्स वो मान लेता है कि हाँ आपका रुपया बाकी है, तो फिर विद इन 7 डेज वो आपको भी इंटीमेट करेगा कि हाँ मैंने आपका एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर लिया है, और दूसरा जो पार्टी है जो आपका कॉर्पोरेट डेटर है उसको भी बताएगा कि ऐसे ऐसे आपके अगेंस्ट एप्लीकेशन आया है जो कि मैंने एक्सेप्ट कर लिया है, एंड देन फिर रिजोल्यूशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। बट अगर वो आपको एक्सेप्ट नहीं करता है तो फिर कॉर्पोरेट डेटर को बताने की कोई ज़रूरत नहीं, वो सिर्फ आपको 7 डेज के अंदर अंदर बताएगा एंड 7 दिन का टाइम देगा, 14 डेज के अंदर अंदर बताएगा एंड 7 दिन का टाइम देगा। देन सेकेंड के साथ है आपका ऑपरेशनल क्रेडिटर। अगर ऑपरेशनल क्रेडिटर आपका ये फाइल किया है, एप्लीकेशन फाइल करेगा, तो कैसे करेगा, तो ऑपरेशनल फाइनेंशियल क्रेडिटर में क्या था, वो डायरेक्ट AA के पास चला गया था। बट ऑपरेशनल क्रेडिटर डायरेक्ट AA के पास नहीं जाता, ऑपरेशनल क्रेडिटर पहले आपको डिमांड नोटिस देगा। डिमांड नोटिस के साथ साथ वो आपको इनवॉइस भी भेजेगा कि भैया मेरा ये रुपया बाकी है, आपने ये डिफॉल्ट किया है, मेरे को पे कर दीजिए।
आपको फिर 10 दिन का टाइम देगा, जब आपको रिसिप्ट हो गया है उसके बाद से वो 10 दिन का टाइम आपको देगा। अगर उस 10 दिन के बाद भी अगर आप नहीं आते, आप उसको जवाब नहीं देते, या फिर उसका रुपया जो बाकी है वो नहीं देते, तो फिर वो एए के पास जाके वो अप्लाई करेगा। देन फिर वो एए के पास जाएगा एंड देन अप्लाई करेगा। अगर उस बीच आप रुपया दे देते हैं तो मैटोमेनिक खत्म हो गया, अगर आप नहीं देते तो फिर वो एए के पास जाके अप्लाई करेगा। फिर एए दिन वापस से 14 दिन का टाइम लेगा ये डिसाइड करने में कि हाँ रुपया बाकी है कि नहीं बाकी है। अगर उसको लगेगा रुपया बाकी है तो एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर लेगा, अगर लगेगा रुपया बाकी नहीं है तो फिर वो एप्लीकेशन रिजेक्ट कर देगा, जो भी होगा वो बता देगा। देन फिर थर्ड आते हैं आप कॉर्पोरेट डेटर। कॉर्पोरेट डेटर खुद अपने जाएगा उसके पास और बोलेगा भैया मेरे पास रुपया नहीं है, आप इसको एक्सेप्ट करके या तो कुछ रिजोल्यूशन प्लान तैयार कीजिए या फिर मेरे को लिक्विडेट कर दीजिए। कॉर्पोरेट डेटर भी अपना सारा इन्फॉर्मेशन लेके जाएगा एंड देन फिर उसको बोलेगा वापस से 14 दिन का टाइम लेगा डिसाइड करने के लिए एप्लीकेशन एक्सेप्ट करना है कि रिजेक्ट करना है। अगर रिजेक्ट कर देता है तो वापस आपको 7 दिन का टाइम देगा एंड अगर एडमिट कर लेता है तो फिर वही रिजोल्यूशन इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। अभी फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है कौन कौन, ये था कौन कौन अप्लाई कर सकता है, अभी बात करते कौन कौन अप्लाई नहीं कर सकता। तो एक कॉर्पोरेट डेटर जिसपे ऑलरेडी कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है, तो उसमें ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, तो उसमें वापस से क्या अप्लाई करके करना है, वो अप्लाई नहीं कर सकता। या फिर एक कॉर्पोरेट डेटर जो अभी अभी रिजोल्यूशन प्रोसेस हुआ है तो उसके विदिन 12 डेज के अंदर अंदर वो 12 मंथ्स के अंदर अंदर वो अप्लाई नहीं कर सकता। या फिर जो कॉर्पोरेट डेटर या फाइनेंशियल क्रेडिटर कोई भी टर्म्स एंड कंडीशन वायलेट किया है इस कोड के अंदर, वो अप्लाई नहीं कर सकता। मीन्स एप्लीकेशन करने के 12 महीने पहले अगर कुछ भी वो वायलेट किया है एनी ऑफ द टर्म्स तो वो अप्लाई नहीं कर सकता। या फिर जिसमें लिक्विडेशन ऑर्डर ऑलरेडी बोल दिया गया है वो अप्लाई नहीं कर सकता। सो ये था सेक्शन 3। देन सब सेक्शन देन सेक्शन 4 है आपका टाइम लिमिट 180 डेज, 90 डेज फॉर द वंस एंड देन फाइलिंग ऑफ एप्लीकेशन फॉर एक्सटेंशन ऑफ पीरियड। कब करेंगे भाई, 70% अगर COC आपको अप्रूव कर देता है, 75% COC अप्रूव कर देता है तो फिर आप एक्सटेंशन ऑफ पीरियड मिल जाएगा आपको एंड एक बार से ज़्यादा नहीं मिलेगा। देन फिर इसमें एक है मोरेटोरियम पीरियड। सो मोरेटोरियम पीरियड क्या है, मोरेटोरियम पीरियड वो है जब आपको डिक्लेयर कर देगा हाँ मेरा मोरेटोरियम पीरियड हो गया है एंड उस केस में आप के अगेंस्ट जितने भी पेंडिंग लिटिगेशन है या इस टाइप के जो भी है वो एक बार के लिए रुक जाएंगे। जैसे फिर मोरेटोरियम पीरियड खत्म होगा उसके बाद वो वापस एज इट इज स्टार्ट हो जाएंगे, सिर्फ उस मोरेटोरियम पीरियड में वो पॉज हो जाएगा, स्टॉप नहीं होगा, सिर्फ पॉज होगा उस पीरियड के लिए। एंड ये कब होगा, जब ए आपका एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर लेगा तो फिर वो डिक्लेयर कर देगा कि या इट इज़ अ देन ही विल डिक्लेयर अ मोरेटोरियम, जहाँ पर आपका सारा जो भी फाइनेंशियल एक्टिविटी है, फाइनेंशियल एक्टिविटी मतलब आप कुछ एसेट परचेज नहीं कर सकते या जो बड़े बड़े हैवी ट्रांजेक्शन वो आप नहीं कर सकते, वो सब के लिए आपको सीज कर देगा। एंड देन फिर पब्लिक अनाउंसमेंट भी कर देगा कि या इसका मोरेटोरियम पीरियड चल रहा है अभी, वो सब नहीं कर सकता। एंड देन जिसका जिसका भी रुपया बाकी है अभी तुम लोग आके बता दो कि हाँ तुम लोग का भी रुपया बाकी है। एंड देन फिर बोलोगे इंटरिम प्रोफेशनल को अपॉइंट करेंगे। सो मोरेटोरियम पीरियड कितने दिन का होगा, जैसे कि मैंने बोला 180 डेज में सब कुछ खत्म हो जाएगा, सो मोरेटोरियम पीरियड भी 180 डेज का ही होगा मैक्सिमम। अगर आपका इंसॉल्वेंसी प्लान पहले खत्म हो गया 180 डेज के तो मोरेटोरियम पीरियड भी उतना ही होगा। ये था आपका वो। देन फिर उसके बाद आपको और क्या पढ़ना है,
उसके पावर्स क्या क्या है इसमें आपका इस चैप्टर में, शिफ्ट ऑफ कंट्रोल है। तो जैसे हम लोग का अभी देखते हैं जो भी डिसीजन लेने का पावर है शेयर होल्डर्स के पास रहता है, बट अभी आपका क्रिएटर्स लोग का रुपया बाकी है, क्रिएटर्स लोग आपका शेयर होल्डर्स के ज़्यादा प्रेफरेंस में आपको उसको पे करना है। सो पावर भी जब तक आपका क्रिएटर्स का जब तक आप रुपया नहीं दे देते तब तक पावर भी आपका क्रिएटर्स के पास चल जाता है। उसको बोलते हैं शिफ्ट ऑफ कंट्रोल, शिफ्ट ऑफ कंट्रोल फ्रॉम शेयर होल्डर्स टू क्रेडिटर्स, कॉरपोरेट क्रेडिट।